सो वेलकम टू सलोनी ब्यूटी टिप्स। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप खिसका की सब्जी कैसे बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों खिसका की सब्जी बनाने के लिए आपके पास 5 बड़े प्याज होने चाहिए, 8 से 10 खिसका लेना है, 2 हरी मिर्च, 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने खिसका लिया है और खिसका को अच्छे से धुल करके बहुत अच्छे से काट दिया है। आपको भी ऐसे ही 8 से 10 खिसका लेना है, धुल के इसको काट लेना है। और इसके साथ में आपको प्याज काट लेना है, बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना है, नॉर्मल सा काट लेना है। उसमें प्याज में मिर्च भी काट सकते हैं आप साथ में। ये आप देख सकते हैं हमारी दोनों चीज़ रेडी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए आपको गैस ऑन कर लेनी है और गैस पे कढ़ाई चढ़ा देनी है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में हमने लगभग 3 से 4 परी तेल डाल दिया है और ये हल्का गर्म भी हो गया है। तो अब हम इसमें हम डालेंगे जीरा। जी हाँ, जैसे ही आपका तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें आपको जीरा डाल देना है और जीरा डाल के थोड़ा सा चलाना है। और जैसे ही जीरा थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ये लाल हो गया है, उसके बाद जीरे में आपको और भी सारी चीज़ें डालनी हैं जो अभी हमने यहाँ पर काट के रखी हुई है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है, जीरा लाल हो जाता है, उसमें हम उसमें प्याज और मिर्च का जो हमने ये बनाया हुआ था काट के, बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं है, हल्का ही है, तो इसको आपको डाल देना है। उसके बाद ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है, हल्का ही पकाना है, क्योंकि अभी इसमें खिसका डालेंगे तो वो भी साथ में पकेगा साथ में। तो आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। 5 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो हल्का पक चुका होगा। और इसी तरीके से आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो प्याज और मिर्च है वो पकी है या नहीं पकी है। और जब आपको लगे कि हाँ ये अच्छी तरीके से सुनहरा हो गया है, पक गया है, तो उसके बाद अब आपको इसमें जो कटा हुआ खिसका है वो पूरा डाल देना है। और पूरा खिसका डालने के बाद फिर आपको एक अच्छे से इसमें मिला देना है। और इसमें जो भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो आपको इसमें धीरे धीरे करके मिलाना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको एक बार अच्छे से इसको मिला देना है ताकि सारा जो प्याज है वो खिसका में अच्छी तरीके से मिल जाए और उसके बाद खिसका में वो आपका अच्छी तरीके से पकने के लिए रेडी हो जाए। अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें और भी सारी चीज़ें मिलाएंगे जो अभी मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट बताई थी। आप उसको थोड़ी देर के लिए ढक भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो तेल है वो थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो अगर आपको भी तेल लगता है कम तो आप उसमें एक्स्ट्रा में तेल डाल सकते हैं, क्योंकि तेल से ही इसका स्वाद आता है। इसलिए तेल में कमी मत कीजिए, क्योंकि तेल जितना रहेगा उतना ही आपके खिसके की सब्ज़ी से, खिसका हो गया और करेला हो गया, तो इन सब में तेल भरपूर चाहिए होता है। तो आप इसमें डाल सकते हैं और जैसे ही थोड़ा सा पक जाए इसमें आप हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें नमक भी डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालने के बाद फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और नमक और हल्दी डालने के बाद आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला देना है, ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं मैं लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से थोड़ा सा इसका रंग आ जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट में भी हल्का तीखापन आ जाएगा इसमें। तो अगर आपको तीखा अच्छा लगता है थोड़ा, तो आप एक्स्ट्रा में इसको लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको इसको ढक देना है। 10 मिनट बाद आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये लगभग थोड़ा थोड़ा पक चुका होगा। तो बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है ताकि जो नीचे से वो अंदर से लग ना जाए, क्योंकि फिर वो दिक्कत होगा, मतलब खाने में स्वाद थोड़ा ऐसा आएगा। तो आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहिए। जहाँ आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए हमने इसको ढका था, 10 मिनट बाद ये हल्का पक चुका है। और पकने के बाद फिर आपको लगे कि ये 10 मिनट में पक गया है, नहीं पका है, तो आप थोड़ा सा देर उसको और रख सकते हैं और बीच बीच में उसको चला भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।